वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री आनंदपुर साहिब की धरती ने संसार नू बहुत कुछ दिता। श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते बड़े वड्डे राजनीतिक फैसले हुए। श्री आनंदपुर साहिब की धरती ने गरीबां मजलूमां की बांह फड़ी। श्री आनंदपुर साहिब की धरती ने सानू आजादी नाल जीवन की जांच दसी। जिहड़ी मर्यादा करतारपुर साहिब तो आरंभ हुई, दसवें पातशाह ने वह श्री आनंदपुर साहिब संपूर्ण कर दिती। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने राजा दीप चंद की राणी चंपा कोलों कुछ पिंडां दी जमीन खरीद के सन 1665 ईस्वी नूं चक नानकी भाव श्री आनंदपुर साहिब की स्थापना की। इस तरह एक नवा नगर चक नानकी स्थापित करके गुरु तेग बहादुर साहिब जी परिवार समेत उत्थे रहन लग पे। इस अस्थान नूं पहला माखोवाल कहिंदे सन। इत्थे माखो नां दा दैत किसी नूं इत्थे वसण नहीं सी दिंदा, पर जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने इत्थे चरण पाए तां इह अस्थान धर्म दा गढ़ भाव आनंदपुर साहिब बन गया। जद गुरु गोबिंद सिंह जी पहली बार पटना साहिब तो चक नानकी भाव आनंदपुर साहिब की धरती ते आए तो आप जी ने संगतां नाल आनंद साहिब दियां पंज पौड़ियां दा पाठ कीता। तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने फरमाया, अज तो इस अस्थान दा नाम आनंदपुर साहिब होया। होली कीनी संत से रंग लागा अत लाल दे। खालसे की जन्म भूमि श्री आनंदपुर साहिब की पावन पवित्र धरती ते खालसा ही जालो जलाल नाल हर साल होला महला मनाया जाता है। होली तो होला महला मनाउन की शुरुआत साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने की सी। गुरु साहिब जी ने समय के हालातों देखदिया आम लोगों की मानसिकता ताकत नू बलवान करन दे मनोरथ नाल होली तो होला महला की शुरुआत की। औरन की होली मम होला, कहो कृपा निध बचन अमोला। तत्काली समान जंगा युद्धा दा होन करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखा अंदर निरोए अते सेहतमंद शरीर की लालसा पैदा करन लई श्री आनंदपुर साहिब की धरती ते खालसाई खेडां की शुरुआत की। होले का शब्दी अर्थ हल्ला बोलना है, अते महल्ले का शब्दी अर्थ जिस मैदान नूं फतेह कीता गया होवे। भाई कान सिंह नाभा लिखते हैं, महल्ला एक प्रकार की लड़ाई है जिस विच पैदल घोड़सवार अते शस्त्रधारी सिख दोहां पासियां तो एक खास हमले वाली थां ते हमला करते हैं। गुरु साहिब जी दोहां दलां नूं लड़िंदी शस्त्र विद्या भी दिंदे सन। आप गुरु साहिब जी तख्त ते बैठ इस बनौटी लड़ाई नूं देखते सन। इस विच्चों जिहड़ा दल जित जांदा तां गुरु साहिब जी उसका खूब सन्मान करते। इस तरह होला महला दा संबंध शस्त्र विद्या दे अभ्यास नाल है। महल्ले दा आरंभ सन 1700 ईस्वी विच श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते होलकर दे स्थान ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप कीता। होली अते होला महला विच दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जिथे होली वक्-वक् थावां ते कई प्रकार दे रंगां नाल खेडी जांदी है, उत्थे ही होला महला शस्त्र विद्या घोड़सवारी अते गतके दे जोहर दिखा के मनाया जांदा है। होला महला फौजी सिखलाई दा वी प्रतीक है, जिथों संत सिपाही दी बिरती पैदा हुंदी है। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहिब दी धरती ते हर साल होला महला बड़ी शानो शौकत नाल मनाया जांदा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।